आज दोस्तों हमारे पास एक नहीं पूरा का पूरा दो यहाँ पर ड्रिल मशीन है। ये दोनों जो ड्रिल मशीन है वो एक ही कंपनी के हैं, लेकिन दोनों के जो फीचर है उसमें काफी ज्यादा अंतर है। दोनों जो ड्रिल मशीन है वो 1000 से 1500 के बीच में आते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कौन सा ड्रिल मशीन आपको खरीदना चाहिए, एक होम पर्पस की तरफ से या फिर एक प्रोफेशनल यूज की तरफ। जल्दी से दोनों ड्रिल मशीन को निकालते हैं बाहर। तो सबसे पहले निकालते हैं इस वाले ड्रिल मशीन को। तो ये रही हमारी ड्रिल मशीन। यहाँ पर यूजर मैनुअल वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर कुछ ड्रिल बिट्स मिलते हैं। दूसरे वाले ड्रिल मशीन इसको भी निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर भी आपको कुछ यूजर मैनुअल देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक हैंडल मिलता है भाई इस वाले ड्रिल मशीन में, इसको निकालते हैं पन्नी से बाहर। ये रहा इसके बिट्स, नॉब भी देखने को मिलता है। तो दोनों में ये चीज मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले ड्रिल मशीन की, जो कि आता है 400 वाट के साथ। इसकी जो प्राइस है वो कम है। पहले पॉलीथिन से बाहर निकालते हैं। तो ये रहे दोस्तों हमारे दोनों ड्रिल मशीन। हालांकि दोनों का कलर देखें तो बिल्कुल सेम टू सेम है, रेड और ब्लैक के कलर में। दोनों ड्रिल मशीन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साइज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो ड्रिल मशीन है वो बड़ा है साइज में। दोनों में आईबेल की ब्रांडिंग आपको ऊपर में देखने को मिल जाती है। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। 650 वाट का मोटर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें छोटे वाले तो यहाँ पर आपको 400 वाट का मोटर देखने को मिलता है। पर अच्छी बात यह है कि दोनों में आपको कॉपर वायर के साथ देखने को मिलता है। बात करें इस बड़े वाले ड्रिल मशीन की तो यहाँ पर आपको एक हैंडल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये वाली जो ड्रिल मशीन है उसमें काफी अच्छा ग्रिप देखने को मिलेगा, पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों की वायर की बात करें तो वायर की जो क्वालिटी है वो इसकी ज्यादा अच्छी लग रही है। काफी मोटा वायर है, वायर जो है वो प्रीमियम लग रहा है। इसका भी वायर सही है पर हम उतना अच्छा नहीं फील कर रहा है। बाकी दोनों जो प्लग है वो आप देख सकते हैं सेम टू सेम है। इसमें आपको वायर काफी ज्यादा लंबा देखने को मिलता है, पर हाँ जैसे बताया कि क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। इससे अगर कंपेयर करें वायर हल्का सा छोटा जरूर है, पर क्वालिटी अच्छी है भाई। दूसरी बड़ी बात, बड़े वाले ड्रिल मशीन में 13 mm का चक साइज देखने को मिलता है, जो कि एक प्रोफेशनल और होम यूज की ड्रिल मशीन के लिए काफी ज्यादा बेहतर माना जाता है। यहाँ पर आपको 10 mm का चक साइज ही देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। हालांकि दोनों जो ड्रिल मशीन है उसमें आपको 2800 rpm की स्पीड देखने को मिलती है। दोनों ही ड्रिल मशीन में वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन देखने को मिलता है, कम और ज्यादा यहाँ से कर पाएंगे। दोनों ही ड्रिल मशीन में आपको लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसको चालू करके बिना बटन दबाए हुए लॉक करना चाहते हैं तो ये आप बटन दबा देंगे, लेकिन थोड़ा सा जान दोनों में ही लगता है। दोनों में ही आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही घूमता है, यानी रिवर्स भी आप दोनों को चला सकते हैं और नॉर्मली तो चलता ही है। यहाँ पर आपको एक लीवर देखने को मिलता है, जिससे आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके चला सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको एक बटन देखने को मिलता है, जिससे आप फॉरवर्ड और रिवर्स ऑप्शन में इसको यूज कर पाएंगे। और दोनों ही ड्रिल मशीन में आपको कूलिंग के लिए यहाँ पर फैन दिए गए। बाकी ऊपर में आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक हैमर मोड देखने को मिलता है, जिससे आप इसको हैमर मोड में स्विच कर सकते हैं। तो ये चीज पर्सनली अच्छा लगा, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऊपर में इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो कि आपको बताएगा कि आपका जो छेद है बीच में हो रहा है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई हैंडल नहीं मिलता है। अगर हम दोनों ड्रिल मशीन की वेट की बात करें तो इसका जो वेट है वो है लगभग 1.5 kg, थोड़ा सा हल्का है। यहाँ पर आपको 2.5 kg का वेट देखने को मिलता है, ज्यादा भारी है भाई इससे कम्पेयर करें तो। इसका जो बटन है वो थोड़ा सा हार्ड प्रेस होता है, इसका जो बटन है वो बिल्कुल आराम से प्रेस हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है, पर हाँ पीछे की तरफ आप देखेंगे तो दोनों ड्रिल मशीन में काफी बड़ा डिफरेंस है। हालांकि दोनों में रबड़ दिया है, इसकी जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा अच्छा है इस बड़े वाले ड्रिल मशीन में। यहाँ पर जो है वो वैसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। दोनों ड्रिल मशीन के जो बिट्स मिलते हैं उसको हम निकाल के दिखाते हैं कौन कौन से बिट्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इस वाले ड्रिल मशीन में आपको जो बिट मिलते हैं वो है ये सारे बिट्स, इतने सारे बिट्स मिलते हैं। ये रहा इसका नॉब। बड़े वाले ड्रिल मशीन की बिट्स की बात करें, ये 4 बिट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि बिट जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको काफी सारे बिट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अलग अलग चीजों में छेद कर सकते हैं। इस बड़े वाले के साथ जो आपको बिट्स मिलते हैं उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, क्योंकि अगर हम इस छोटे वाले ड्रिल मशीन के बिट्स की बात करें, मैंने यूज कर रखा है, उतने अच्छे बिट्स नहीं दिए जाते हैं। बड़े वाले ड्रिल मशीन में आपको एक मेजरिंग इंच भी देखने को मिलता है, जिससे आप होल वगैरह मेजर कर पाएंगे। लेकिन हाँ ये टूट गया है तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में भाई, इसको मैं देखूंगा बाकी क्या करना है। बाकी चलिए दोनों ड्रिल मशीन में बिट्स वगैरह लगाते हैं और देखते हैं कौन सा ड्रिल मशीन जल्दी छेद करता है। दोनों ही ड्रिल मशीन में हमने 6 mm के बिट लगा रखे हैं और दोनों ड्रिल मशीन से छेद करते हैं और देखते हैं किसमें जल्दी छेद हो पाएगा। हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा और दोनों ड्रिल मशीन को पकड़ के और छेद करना शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले छेद करता है। चलिए ओ भाई, छोटी वाली जो ड्रिल मशीन है वो तो सबसे पहले छेद कर दी, ये वाली तो अभी तक कर ही नहीं है। ओ भाई काफी देर लगा भाई बड़े वाले ड्रिल मशीन से। ईटे में हम लोग छेद करने वाले हैं दोनों ड्रिल मशीन से, देखते हैं कौन जल्दी छेद करता है।
और अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो बड़ी वाली ड्रिल मशीन है वो पूरी की पूरी घुस चुकी है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं हिस्सा भी बाकी है, ये वाला पूरा नहीं घुसा है। तो छोटी वाली यहाँ पर फेल हो जाती है और बड़ी वाली भाई जल्दी घुस जाती है। रिवर्स ऑप्शन पे दोनों को करते हैं और इस ड्रिल मशीन को बाहर निकालते हैं दोनों को। तो भाई ईटे के मामले में देखा जाए तो ये वाला जो ड्रिल है वो जल्दी से जल्दी छेदा कर देता है और पूरा घुसा देता है, पानी निकाल दिया ईटे का, देख रहे हैं। तो चलिए एक बार और छेद करके देखने वाले हम लोग कि क्या हो सकता है, किस्मत का मामला हो ये बड़ी वाली का, इस बार किस्मत अच्छा हो। 1 2 3 नहीं भाई, किस्मत का मामला नहीं है ये, ड्रिल मशीन का मामला। ये जो बड़ी वाली ड्रिल मशीन है वो सही में जल्दी छेद कर दे रही है, देख सकते हैं पूरा घुस चुका है और ये अभी भी पूरा नहीं घुसा है। गजब का छेद हो गया भाई, चार चार छेद, छेदम छेद हो रहे हैं। तो अभी दोस्तों हमारे पास आ गया है कॉन्क्रीट वाला पत्थर, और आप लोग जानते हैं ड्रिल मशीन से कॉन्क्रीट में छेद करने में मजा ही आ जाता है, और अब हम दोनों ड्रिल मशीन से कॉन्क्रीट वाले पत्थर में छेद करेंगे और देखते हैं कौन सा ड्रिल मशीन जल्दी छेद कर पाएगा। भाई दोनों में बिट जो है वो 6 mm की लगी हुई है और कॉन्क्रीट में छेद हो जाना चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो छोटी वाली ड्रिल मशीन है वो स्लिप कर जा रही है, लेकिन ये वाली जो ड्रिल मशीन है भाई वो तो घुसते ही जा रही है, घुसते ही जा रही है। फिर से दोबारा ट्राई करते हैं। तो भाई साहब अभी देख सकते हैं मैंने रोक दिया है और ये वाली जो ड्रिल मशीन है वो आधी घुस चुकी है, और ये तो भाई इतनी सी घुसी है, इतनी थोड़ी सी। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या है, बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन को देख सकते हैं पूरा एकदम घुस गई है, एकदम पूरा का पूरा। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करें तो ये स्लिप ही कर रही है अभी तक, और मतलब ये कुछ कर ही नहीं पाई ऐसे लग रहा है। तो भाई साहब एक चीज तो साबित हो गई कि बड़ी बड़ी जो ड्रिल मशीन है उसमें पावर काफी ज्यादा है, और भाई गर्म भी नहीं हुई है और ये घुसती चली जा रही है। तो भाई ये तो बेकार ही है, देख सकते हैं ये निकालने से अभी निकल गई, लेकिन हाँ ये नहीं निकलने वाली, इसको हम लोग रिवर्स करके ही निकालना पड़ेगा। तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में। भाई साहब धूल धूल कर दी पूरा, देख रहे हैं। तो दोनों ड्रिल मशीन का तो जलवा आपको पता ही चल गया होगा। तो भाई साहब अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि किसमें ज्यादा पावर है, मेरे को लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हाँ फिर भी नहीं आया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने मुंह से कि भाई आईबेल 650 वाट का जो यहाँ पर मोटर देता है और जो ड्रिल मशीन है काफी कमाल की है, मतलब कहीं पर इसका कंपैरिजन ही नहीं है इसके साथ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें पावर काफी ज्यादा है। और अगर आप इसमें लकड़ी में छेद करना चाहते हैं तो हो जाएगा, पर हाँ उसका डिफरेंस है बिट से, क्योंकि इसमें जो बिट दिए गए हैं जितने भी वो सब है आयरन वाले और कंक्रीट वाले और पत्थर वाले, तो इन सब बीच से आप लोहे में ईटे के अंदर छेद कर सकते हैं दीवार वगैरह में आराम से, पर हाँ लकड़ी में थोड़ा सा देर जरूर हो रहा है। पर हाँ इसमें बात करें तो इसमें जो बिट है वो लोहे का अलग दिया है, आयरन का अलग दिया है, स्क्रू के लिए अलग दिया है, पर हाँ उतना पावरफुल नहीं है। मैंने आपको जैसे कि दिखाया, दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, हैमर मोड और नॉर्मल तरीके से, तो इससे पावर आपको ज्यादा मिलता है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो विनर है वो है ये। प्राइस के हिसाब से बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 1200 और इसका जो प्राइस है वो है 1500। तो अगर आप 300 रुपए ज्यादा लगा सकते हैं तो जाहिर सी बात है इस वाले ड्रिल मशीन को ही खरीदिए। बाकी अगर आपके पास पैसा कम है, नॉर्मली घर में ही आपको ड्रिल करना है दीवार वगैरह में या फिर ईटे वगैरह में, तो आप ये भी ड्रिल मशीन खरीद सकते हैं। बस हाँ इसमें भी आपको जो बिट है वो अलग से खरीदना होगा, क्योंकि आप ये वाले बिट देख सकते हैं, ये वाला जो बिट है वो खराब ही हो चुका है, नोक एकदम चला ही गया। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका भी दे दिया हूं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।